हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका कौन सा भाई, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। कौन सा बोलिए? डिजिटल पेमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल पेमेंट यानी क्या। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? जितना ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, समझ पा रहे हैं, आपका ऐप के जरिए, जैसे SBI का खुद का ऐप है जिससे ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, PNB का खुद का ऐप है उसके जरिए जब हम पेमेंट करते हैं, सारे तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे? डिजिटल पेमेंट। बोलो क्या बोले हैं? डिजिटल पेमेंट को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है ई पेमेंट। ई पेमेंट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। बोलो क्या बोले हैं? जब हम ऑनलाइन फंड क्या क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इंटरनेट के जरिए जब हम रुपया का ट्रांसफर करेंगे बायर से सेलर के पास, इसको हम ई पेमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे आजकल हम लोग सामान खरीद लेते पैसा नहीं रहता है, तुरंत मोबाइल निकाल के पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें क्या चीज़ का मदद लगता है? आपके बैंक का और एक ऐप रहता है, या तो गूगल पे या तो फोन पे या जो भी ऐप है, समझ रहे हैं? और क्या क्या चीज़ का मदद लगता है भाई? इंटरनेट। किसका मदद लगता है बोलिए? समझ पा रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? तो ई पेमेंट का मतलब क्या होता है? डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर के बीच में जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, पेमेंट का लेन देन होगा, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? रुपया का लेन देन किया जाएगा, इसको हम ई पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? माने फाइनेंशियल एक्सचेंज डन थ्रू क्या? ऑनलाइन बिटवीन बायर एंड सेलर, बिटवीन बायर एंड सेलर। क्लियर है क्या? कभी किया ऑनलाइन पेमेंट? ऑनलाइन पेमेंट किया कभी किसी दुकानदार को सामान किन के पेमेंट किए हो? तो कौन सा पेमेंट था? ई पेमेंट। कौन सा पेमेंट था? इसको बिजनेस के टर्म्स में बोलते हैं। ऐसे तो तुम लोग बोलते हैं UPI किए हैं, गूगल पे किए हैं या फोन पे किए आप लोग बोलते हैं, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं? ई पेमेंट मिला है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? प्लास्टिक मनी है? प्लास्टिक मनी आप लोगों के पास? बोलिए, प्लास्टिक मनी है? क्या है प्लास्टिक मनी? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड एंड प्लास्टिक मनी मींस डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो आपके पास है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड माने अपना रुपया, आपके सेविंग बैंक में जो रुपया होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वही रुपया से आप कुछ खरीद सकते हैं, समझ रहे, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसका बात कर रहे हैं? डेबिट कार्ड। किसका? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और एक होता है क्रेडिट कार्ड, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप सामान को खरीद सकते हैं, एक लिमिट तक, 24x7 ये सुविधा अवेलेबल है। 24x7 ये प्लास्टिक मनी वाला सुविधा अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप सामान खरीद सकते हैं, पैसा नहीं है फिर भी कुछ पैसा को निकाल सकते हैं। ये पैसा पे ब्याज नहीं लगेगा कितना दिन तक? 30 दिन। अभी 45 दिन हो गया ना? 50 दिन। अभी 45 दिन हो गया, पहले 30 दिन था, 50 दिन हो गया, 50 दिन। मैंने 50 दिन तक आप सामान, अभी निकल लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, मैं बुक में जो हम लोग का छपा है, सिलेबस में जो छपा है वहाँ 30 दिन है, 30 दिन भी याद रखिएगा, नहीं जाएगा 50 दिन तो कहाँ से काम चलेगा? समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो दोनों याद रखिए, करेंट कितना दिन? 50 दिन, और बुकिंग कितना भाई? 30 दिन। मैंने सामान के लिए मान लो 1 लाख का ले लिया फ्रिज, समझ रहे क्या बोल रहे, या 1 लाख का TV ले लिए, पैसा तो दिया नहीं, तो 30 दिन तक आपको समय है, आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा, 30 दिन के अंदर पैसा दे देना है। अभी 50 दिन हो गए तो 50 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देना है। अगर 50 दिन से ज़्यादा टाइम लगाओगे तब तो भैया हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। सबसे ज़्यादा बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्रेडिट कार्ड पे 36% का ब्याज लगाया जाता है साल का, समझ रहे? क्लियर है क्या? इसलिए लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड बनाएंगे बर्बाद करने के लिए, कि बेटा किनेगा रहेगा तो मानेगा नहीं, कुछ किनने का मन करेगा कार्ड ले जाके किन लेगा, फिर 30 दिन के बाद पैसा नहीं देगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे क्या बोल रहे? और लोगों के पास सुविधा रहता तो लोग सुविधा का लाभ उठा ही लेते हैं, नहीं रहता तो लाभ नहीं उठाते, लेकिन रहता तो लाभ उठा लेते। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं आगे बढ़ा जाएगा। ई मनी, ई मनी है आप लोग के पास? बोलो ई मनी है? ई मनी का बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन। ई मनी का बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन। RBI भी ई मनी का कंसेप्ट लेके आया है, बिटकॉइन नहीं, उसका कुछ ऐसे था ई रुपए करके था, समझ पा रहे? ई रुपए कुछ करके, आपको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। RBI भी लेके आया कि बिटकॉइन का डिमांड बढ़ रहा, दूसरा देश का लोग ई मनी खरीद रहा है तो हमारे देश का ई मनी आप लोग खरीदिए,
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी बिटकॉइन वगैरह आप परचेज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या दूसरे करेंसी में आप कुछ परचेज कर लिए, समझ पा रहे, इसको हम ई मनी कहते हैं। जैसे शेयर भी आप खरीद लिए हो, ई मनी है। शेयर भी खरीद लिए हो, क्या है? ई मनी है। स्टॉक का आप खरीदा बेची कर लिए, वो भी क्या है? ई मनी है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, समझते जा रहे हो तो भूलते जा रहे हो। डिजिटल वॉलेट है आपके पास, बोलो, डिजिटल वॉलेट। वॉलेट मतलब क्या? मोबाइल का पैसा रहेगा, मोबाइल में आपका पैसा रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल वॉलेट। जैसे पेटीएम करो, क्या बोलिए? कोई बोल ऐसे प्रचार करता है ना, पेटीएम करो। बंगाल में कैसे करते हैं? पेटीएम करो बांग्ला, पेटीएम करो। गूगल पे का प्रचार क्या है? भर ब्याज क्या है? खाली गूगल पे करता है, गूगल पे हर जगह चलता है, गूगल पे हर जगह चलता है, ये भर ब्याज, गूगल पे हर जगह चलता है। फोन पे का भर ब्याज क्या है? फोन पे चलता, फोन पे का क्या है? फोन पे का भर ब्याज क्या है? नहीं मालूम। फोन पे, अमेजन पे, समझ पा रहे? सारे के सारे क्या है? डिजिटल वॉलेट है, मतलब आपके मोबाइल में पैसा रहेगा, उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। बट बेस्ट एग्जांपल डिजिटल वॉलेट का पेटीएम है। पेटीएम करो बांग्ला, क्योंकि पेटीएम ही लेके आते हैं वॉलेट का कंसेप्ट। ये तो गूगल पे और फोन पे या जो भी पे आया, ये डायरेक्ट कर दिया, ये लोग का डायरेक्ट है, नहीं समझे, यूपीआई के जरिए। बट वो भी वॉलेट का ही पार्ट माना जाता है, समझ गए? इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल वॉलेट। आगे बढ़े हम लोग। डिजिटल सिग्नेचर किया हो कभी? हाँ, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट किया तुम लोग? बोलो, गूगल पे फोन पे कभी नहीं किया क्या? किया है। नहीं किया तो किसी से सीख लेना, कर लेना, समझा क्या बोले? अपने मोबाइल में लेके अपने अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से नहीं, बेटा पता चला साफ कर देगा उसके अकाउंट में। समझा क्या बोले? अपने मोबाइल से अपने अकाउंट में सीखना है, किसी और के अकाउंट में नहीं सीखना है, और सिखाना भी नहीं किसी और के अकाउंट में। समझ रहे क्या बोल रहे? आइए नेक्स्ट, हम लोग क्या समझ रहे भाई? डिजिटल सिग्नेचर की और डिजिटल सिग्नेचर, बोलो, डिजिटल सिग्नेचर। पर डिजिटल सिग्नेचर समझिए, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि डॉक्यूमेंट सही है, डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर की हो कभी? बोलो, जमीन लिखाने जाओगे ना तो डिजिटल सिग्नेचर ही करना होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? एक तो मशीन होता है, बोलेगा साइन करो, मशीन पर करिएगा ना तो कागज पे आ जाएगा, मशीन पर करिएगा तो कागज पे आ जाएगा। ये मत सोचिएगा स्कैन करके लगा दिए तो तुम्हारा भी नाम काट करके हम भी स्कैन करके लगा देंगे। स्कैन वाला वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, नहीं समझा? कॉलेज में का फॉर्म भरा था, सिग्नेचर करके दिया होगा, स्कैन करके कट करके लगा दिया, तो उसको तो कहीं भी लगा सकते हैं कट करके, वहां से भी तो कट करके लगा सकते हैं, वो नहीं, मशीन रहता है वहाँ की। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। क्या कहते हैं? ये डॉक्यूमेंट को क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है। क्या करता है बोलिए? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसका लीगल प्रोसीजर है, इसका लीगल प्रोसीजर दिया गया है। आईटी को चलाने के लिए तो एक्ट बनाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 5 में बात लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर का। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 5 में ये बात लिखा हुआ कि डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है और ये मशीन के द्वारा होना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करे, डॉक्यूमेंट के साथ कोई टेम्परिंग ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? कहाँ लिखा हुआ इसका प्रोविजन? सेक्शन 5 ऑफ आईटीएक्ट 2000, आईटीएक्ट 2000। क्लियर है क्या? किसका बात की हम लोग? डिजिटल सिग्नेचर। बोलो क्या बोले हैं? नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन कहाँ देखे हो बताओ तुम लोग? पेमेंट गेटवे का ऑप्शन कहाँ देखे हो? जब ऑनलाइन आप लोग सामान खरीदते हैं ना तो सब ऑर्डर उर्डर भर दीजिएगा तो लास्ट में आता है पेमेंट का ऑप्शन, आता है ना पेमेंट का ऑप्शन, तो कभी कभी पेमेंट गेटवे भी लिख के आता है, नहीं तो पेमेंट भी लिख के आता है। क्या आजकल? आजकल पेमेंट ही लिख के आता है, मोड ऑफ पेमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? या तो मोड ऑफ पेमेंट या पेमेंट गेटवे ऐसे करके आता है, उसको क्लिक करिएगा तो बहुत सारा आपसे ऑप्शन मांगेगा कि डेबिट कार्ड से पैसा देना चाहते हो, कि क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हो, कि फोन पे से देना चाहते हो, कि गूगल पे से देना चाहते हो, कि पेटीएम से देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो, सीओडी छोड़ के। सीओडी मोड ऑफ पेमेंट में होता है, कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा पसंद था तो सीओडी करते हैं। yes. सामान लेके आओ फिर पैसा देंगे, कोई लफड़ा सूटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बेटा पैसा देके 4 दिन टेंशन में रहेंगे? अरे बालक आपस में बतिया लीजिएगा, बंद कर दे क्लास, सुनिए ध्यान से। किसका बात करें? पेमेंट गेटवे। किसका? तो इंडिया में लोग ज़्यादा सीओडी पसंद करते हैं, लेकिन वो पेमेंट गेटवे का पार्ट नहीं है।
सीओडी पेमेंट गेटवे का पास नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे आप सीएस में नाम लिखाइएगा, सीए में नाम लिखाइएगा, तो वहाँ पेमेंट गेटवे से ही पेमेंट करना होगा, या तो डेबिट कार्ड से, या तो क्रेडिट कार्ड से, या तो गूगल पे फोन पे आजकल अलाउ किया है, पहले नहीं था, पहले यही था, समझ रहे हैं? मैंने सब फॉर्म वॉर्म भरने के बाद जब मारोगे ना तो आएगा पेमेंट गेटवे, तो आप अपना कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, पेमेंट गेटवे। क्या कहते हैं पेमेंट गेटवे का मतलब क्या भाई? पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। पेमेंट गेटवे, अच्छा पेमेंट गेटवे का सुविधा ना अपना अपना बैंक वो खुद कस्टमर को दे रहा है। जैसे SBI अपना खुद का योनो लेके आया, योनो है ना, SBI योनो खुद का ऐप लेके आया। PNB में जाइएगा तो PNB One वो लोग खुद का ऐप लेके आया, बोला इस ऐप के जरिए करिए। और भी कुछ पेमेंट गेटवे हैं हमारे देश में, जैसे गूगल पे का है, फोन पे का है, पेटीएम का है, अमेजोन पे है, समझ, और कुछ पे आया है, भारत पे है, समझ रहे हैं? ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे के एग्जाम्पल है, क्लियर है क्या? लेकिन पेमेंट गेटवे का सर्विस सबसे पहले कौन देता है? बैंक देता है। बैंक बोलता है कि मेरे ऐप से करिए, बैंक नहीं बोलता UPI से करिए पेमेंट, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। और कुछ लोग समझदार होते हैं तो उसका ऐप ही से करते हैं, बैंक का बात मानते हैं, बैंक का प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लेकिन बैंक सुविधा दिया तो हमारे हिसाब से बैंक से करना चाहिए, समझ पा रहे? लेकिन उसमें दिक्कत है कि बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, पेमेंट किसी को नया को करना है तो 2 घंटा पहले ना 1 घंटा पहले ऐड करो, फिर जाकर पेमेंट होगा, ये समस्या है। किसका बात कर हम लोग? पेमेंट गेटवे। बोलो क्या बोले हैं, आगे बढ़े बोलोगे तब तो। CBS का फुल फॉर्म बोलो, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पूछेगा CBS का फुल फॉर्म, बोलो जोर से, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है बैंक अकाउंट कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, समझ पा रहे, इन द नेशन, अपने देश में हम कहीं पे भी, इन द कंट्री, अपने देश में कहीं पे भी, कहीं से भी उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोलकाता में तुम एक तो स्टेट बैंक में अकाउंट खोलवा दो, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब तुम 2 साल के लिए बिहार शिफ्ट हो गया किसी कारण से, तुमको वहीं रहना है, अब अकाउंट कहाँ है? कोलकाता में। अकाउंट कहाँ है? तो वहाँ से तुम इस अकाउंट को चाहोगे तो ऑपरेट कर सकते हो SBI के बैंक में जाकर, SBI के बैंक में जाके पैसा डाल सकते हो, पैसा उठा सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, चेक डाल सकते हो, चेक को क्लियर करा सकते हो, समझ रहे? ये कौन सुविधा आपको प्रदान करता है? CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंक है। अच्छा CBS ही बात तो बोल दिया, लेकिन बैंक वाला जाइएगा तो बोलेगा मेरा ब्रांच का नहीं है, नहीं होगा, 12 बजे के पहले आइएगा, 4 बजे के बाद आइएगा, 3 बजे के बाद आइएगा, नाटक करता है, सुन रहा तुम? क्या बोल रहे, अभी बोलो, सुन रहा है, ऐसा नाटक कर रहा है लग रहा नहीं सुन रहा है। इसका बात करें CBS, इसका बात कर बोलिए CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंक है, बैंक वाले का बदमाशी है ये। CBS तो यही सुविधा दे रहा है ना कि बैंक अकाउंट कैन ऑपरेट फ्रॉम एनी वेयर, समझ पा रहे, इन द कंट्री, इन द सेम बैंक अकाउंट, इन द सेम बैंक, उसी बैंक अकाउंट में जाके, उसी बैंक में जाके आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। ये कौन बोलता है? CBS बोलता है, बैंक में जाते हो लिखा रहता है CBS ब्रांच लिखा रहता है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखे हो कौन कौन देखा बैंक में जाके कि CBS ब्रांच लिखा हो, बोलो कौन नहीं देखा है? दांत बंद करके जाते हो क्या है कि तुम लोग का जो काम रहता है उसी पे देखता है, जो काम करना रहता है उसी पे देखता है, अगल बगल थक थक नहीं करता है, क्या हो रहा है? आप किसका बात कर रहे हैं, चोरी करने थोड़ी हो कैमरा देख रहे हो? CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग, अरे डाक जाए जहाँ जाते हो वहाँ करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, कभी बैंक खोलना रहा तो कैसे खोलोगे? फिर एगो बैंक में जाओगे सर्वे करने, देखेंगे कैसे क्या लगाया है, दिमाग में आइडिया होना चाहिए आपके पास। हमारा थिएटर में मूवी देखने गए तो थिएटर कैसे खुलेगा उसका आइडिया तो होना चाहिए, देख के ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, कैसे कैसे खुलेगा, अरे सिस्टम देख के समझ नहीं आएगा क्या लगा नहीं लगा, क्या सुविधा है, समझ रहे? अब खाली तुम वही ऑब्जेक्टिव से जाएगा तो तुमको वही दिखाई देगा, और चीज़ दिखाई नहीं देगा। किसका बात करें भाई? CBS, बोलो क्या बोले? आगे बढ़े, मोबाइल पेमेंट को एम पेमेंट कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से बात है, मोबाइल पेमेंट, जब मोबाइल से पेमेंट करोगे उसको कहते हैं एम पेमेंट, क्या कहते हैं? मोबाइल से वाला पेमेंट को क्या कहते हैं? एम पेमेंट, बोलो क्या बोले हैं? एम पेमेंट, मोबाइल वॉलेट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और किसका बात कर, मोबाइल पेमेंट वही बात है, कैसे करोगे मोबाइल पेमेंट? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब क्या मोबाइल पेमेंट है, इसको एम पेमेंट या मोबाइल वॉलेट भी कहते हैं, क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग,
यूपीआई का फुल फॉर्म बोलो, बहुत यूपीआई करते हो, बोलो क्या बोले हैं, यूनिफाइड इंटर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बोलो क्या बोले हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको कौन लेके आया था इंडिया में, बोलो कौन लेके आया था इस कंसेप्ट को, लेके आया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि किसके जरिए रेगुलेट होता है, आरबीआई के जरिए रेगुलेट होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, इसको लॉन्च कौन किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च भाई कौन किया था भाई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बोलो क्या बोले हैं, ये किससे रेगुलेट होता है, आरबीआई, किससे रेगुलेट होता है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि तुरंत इमीडिएट फंड ट्रांसफर हो जाएगा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में तुरंत फंड ट्रांसफर हो जाएगा। यूपीआई करते हो तो टाइम लगता है क्या, मारते हो बोलते देख लीजिए भैया, चाहे मारते ही बोलने लगता है, उसका उसका ये स्पीकर रहता है बोलने लगता है कि रिसीव रुपीज 5 रिसीव रुपीज 10, समझ पा रहे, हाँ कभी कभी टेक्नोलॉजी अगर तो होगी। तो इसको कौन लेके आया था भाई, कौन लेके आया था, एनपीसीआई, बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेटेड भाई आरबीआई, इसको कौन चलाता है, आरबीआई, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, याद रहेगा, क्लियर है, बोलो आईएमपीएस का फुल फॉर्म बोलो, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, बोलो क्या बोले हैं, बोलो क्या बोले हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। ये कहां से आया, यूपीएस कहां से आया, इसको हम क्या कहते हैं, आईएमपीएस, क्या कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, बोलो क्या बोले हैं, और ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म तो हम लोग को मालूम चल गया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई हमारे देश में और भी चीज लेके आया, यूपीआई को तो लेके आया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए रहा था वीजा, देखिए एटीएम कार्ड पे लिखा था वीजा, और क्या लिखा रहता, मास्टर कार्ड, वीजा मास्टर कार्ड रुपए, मास्टर कार्ड रुपए, यही लेके आया था, समझ पा रहे, वीजा मास्टर कार्ड रुपए, ये सब एटीएम कार्ड पे लिखा रहता, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनपीसीआई, क्या कहते हैं, देखे हो एटीएम कार्ड, देखे हो डेबिट कार्ड, देखे हो उस पर क्या लिखा रहता है, या तो वीजा या तो मास्टर कार्ड या तो रुपए, समझ पा, आजकल रुपया आ रहा है, आजकल वाला हम लोग जान का आ रहा है, मोबाइल से हो रहा है ना, अच्छा 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 ठीक है, आजकल वाला हम लोग नहीं जान रहे, आजकल तो मोबाइल से पेमेंट हो रहा है, एटीएम का दरकार ही नहीं, पर एटीएम गए हुए इंसान को कितना दिन हो गया, समझ पा, किसका बात कर रहे हैं बाबा, एनपीसीआई, बोलो क्या बोले, कौन सा लगेगा फॉरन के लिए, वीजा और मास्टर, और इंडिया में भी एटीएम के लिए अलाउ करता था लेकिन पेमेंट उठाने के बीच में, ठीक है, अभी तो रुपये ही चल रहा है ज़्यादा, आगे बढ़े, रुपये ज़्यादा चार्ज नहीं लेता, हाँ चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेमेंट, बोलो क्या बोले हैं, सुनो ध्यान से, इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल दूसरा देश से गुड्स क्रीन होगा तो क्या पेमेंट करना होगा, इंटरनेशनल क्या करना होगा, इंटरनेशनल पेमेंट को प्री पेमेंट कहते हैं, वो लोग पहले पैसा लेता था गुड्स भेजता है, पहले पैसा लेता फिर उसको प्री पेमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, प्री पेमेंट, इट इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ बैंक, इंटरनेशनल पेमेंट कैसे होता है, बैंक के जरिए, इंटरनेशनल पेमेंट कैसे होता है, बैंक के जरिए, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल पेमेंट कैसे होता है भाई, बैंक के जरिए, कैसे होता है, बैंक के जरिए, आगे बढ़े हम लोग, बोलो ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, सारे बैंक ऑनलाइन बैंकिंग का सुविधा दे रहे हैं कि कंप्यूटर के जरिए आप सारे ट्रांजैक्शन को घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, अकाउंट को देख सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ रहे, फंड को सेविंग अकाउंट में बहुत पैसा है, तुरंत फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, दो दिन मन किया कि तोड़ दे फिक्स डिपॉजिट, तोड़ देंगे ऑनलाइन, बैंक में जाने का दरकार नहीं है, इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, क्या कहते हैं, 2 बजे रात को मन कर रहा है कि उनको फिक्स डिपॉजिट अब तोड़ देना है, तो 2 बजे रात को उसको तोड़ दे, नहीं समझा, फिक्स डिपॉजिट कर दिए, 10 दिन हुआ, 10 दिन का ब्याज लिए, 11वां दिन दरकार पड़ गया पैसा का, तो फिक्स डिपॉजिट तोड़ोगे तब ना सेविंग में रुपया आएगा, नहीं समझा, मान लो सेविंग में 5 लाख रुपया फंड है, उसको ऑनलाइन क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में कर दिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में ब्याज ज़्यादा मिलेगा, समझ गए, मान लो 10 दिन के तो 10 दिन का ब्याज मिलेगा, 10 दिन बाद दरकार पड़ गया, 2 बजे रात को दरकार पड़ गया, क्या करेंगे, तुरंत कंप्यूटर के जरिए तोड़ देगा, बैंक जाने का दरकार नहीं है, समझ पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, क्या कहते हैं, मैंने 24x7 है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, पूजा वूजा करना चाहोगे बैंक अकाउंट का बैलेंस को तो खोल के अगरबत्ती दिखा सकते हैं अमाउंट पे,
मैं समझा यही ऑनलाइन समझा आजकल मोबाइल में भी दिखा रहा ना, अरे चेक अकाउंट बैलेंस नीचे रहता है ना, यूपीआई करते हैं तो गूगल पे में या फोन पे में चेक अकाउंट बैलेंस उधर भी दिखा सकता है। चलो ठीक है, अगरबत्ती दिखा देना। आज आगे बढ़ते हैं, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बोलो ईएफटी का फुल फॉर्म बोलो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर होगा, ये कैसे किया जाता है, एटीएम के जरिए कैसे किया जाता है, ईएफटी एटीएम के जरिए कर सकते हो, एटीएम कैसे कर सकते हो, एटीएम के जरिए कैसे कर सकते हो, नहीं समझा, ईएफटी सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड के जरिए होगा, एटीएम कार्ड माना डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट, या तो डेबिट कार्ड या तो समझ गया क्या बोले कैसे होगा भाई, एटीएम के जरिए। आगे बढ़े हम लोग, बोलो नेक्स्ट है एस सी एच, बोलो क्या बोले हैं, एस सी एच, बोलो क्या बोले हैं, एस ए सी एच, बोलो क्या बोले हैं, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, बोलो जोर से बोलो, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जोर से बोलिए ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस समझ पा रहे, सिक्योर पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम, सिक्योर पेमेंट माने इसके जरिए पेमेंट करोगे ना, ये समझ पा रहे, ये कनेक्ट है यूएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अमेरिका का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट है, इसका बात कर एस सी ए, इससे पेमेंट करोगे तो पेमेंट सिक्योर है, पेमेंट क्या है सिक्योर है, समझ पा रहे किसका बात कर, एस सी एच, किसका, ए सी एच, बोलो क्या बोले हैं, ए सी एच, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या है, सिक्योर पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम, ये किससे संबंधित है, यूएसए से कनेक्ट है, यूएसए से क्या है क्लियर है, क्या किसका बात कर रहे हैं, ए सी एच, बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलो, ए सी एच, बोलो क्या बोले हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, ए एल पी, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, बोलो क्या बोले हैं, इसमें फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, ए एल पी का फुल फॉर्म बोलो, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, बोलो क्या बोले, बैंक में जाओगे ना तो बैंक वाला खाली क्या करता है, आपका एंट्री मारता है कि आप पैसा जमा किए, तुरंत आपके लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक लेजर बन जाएगा, जैसे टैली में मारने से तुरंत लेजर में ले लेता है, जनरल मारने से लेजर में ले लेता है, तो वैसे ही बैंक में होता है, मारिएगा ट्रांजेक्शन तुरंत लेजर में पोस्टिंग कर देगा, इसको हम क्या कहते हैं, ए एल पी, क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, बोलो क्या बोले हैं। इसी के साथ चैप्टर हम लोग का होता है द इन, पूछताछ कर लेते हैं थोड़ा सा, ई पेमेंट किसको कहेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट माने क्या, जब किसी बिजनेसमैन को ऑनलाइन पेमेंट दीजिएगा उसको क्या कहते हैं, ई पेमेंट। प्लास्टिक मनी क्या है, क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं लेने में भी सामान किन सकते हैं क्या, कितना दिन तक का मजा उठा सकते हैं, 30 और अभी लेटेस्ट 50 दिन बाद मजा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। फिर क्या ई मनी क्या है बाबा, बिटकॉइन, ई मनी क्या है, डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल क्या है, पेटीएम करो बांग्ला, गूगल पे फोन पे, डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए लगेगा, इसका नियम कहाँ पे दिया गया, सेक्टर 5 इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटीएक्ट 2000, आईटीएक्ट पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे क्या है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गूगल पे फोन पे इसको कहते हैं पेमेंट गेटवे, सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंक को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। मोबाइल पेमेंट को एम पेमेंट भी कहते हैं और वॉलेट भी कहते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म बोलो, ऑनलाइन बैंकिंग से क्या सुविधा है, कि 24 घंटा अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, कितना लोगों को मन करता है बार बार, समझ पा रहे, हाँ ठीक है, 24/7 ओपन ऑनलाइन बैंकिंग, हाँ रुपया गिन सकते हो, गिन के बताएगा, गिनना नहीं होगा, गिन के बताएगा, समझे, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एटीएम कार्ड, समझ पा रहे, एससीएच का फुल फॉर्म बोलो, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, बोलो क्या बोले हैं, और एएलपी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, ऑटोमेटेड लेजर जितना लेक्चर किया मार्क करते हैं।